हे hey दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेवन ऐसे फ्री टूल्स के बारे में जो आपको बहुत अच्छी सर्विस दे सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये आपका हेल्प कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, सीपीए, कीवर्ड रिसर्च और वो चीजें जो चीजें आप ऑनलाइन में करते हो। सो लेट्स गो। सो माय नेम इज सीआर, आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड यू वॉचिंग ऑनलाइन मनी एज यूजर। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक करें, बिकॉज आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लेके आने के लिए। तो गाइस, सबसे पहला जो टूल है उसका नाम है कीवर्ड एवरीवेयर। सो गाइस, जो कीवर्ड एवरीवेयर है वो आपको हेल्प करता है कीवर्ड फाइंड करने में आपके एड्स के लिए, वेबसाइट के लिए, लैंडिंग पेज के लिए, जहां पर भी आप कीवर्ड यूज करना चाहें आप इसका यूज कर सकते हैं। और ये बिल्कुल फ्री एंड फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है जो आपको मिल जाएगा क्रोम एक्सटेंशन में। नेक्स्ट, सिमिलर वेब। गाइस, सिमिलर वेब एक ऐसा टूल है जो आपको हेल्प करता है ये जानने में कि आपकी वेबसाइट में या दूसरे की वेबसाइट में कितनी ट्रैफिक मंथली आ रही है, कितने ऑन एवरेज डेली के विजिटर्स आ रहे हैं, कितना मंथली पेज व्यू है, कौन सा रैंकिंग है, हर चीज आपको फ्री में ये बताता है। नेक्स्ट, canva.com। गाइस, canva.com एक ऐसी चीज है जो आपको हेल्प कर सकती है हर चीज को बनाने में, लाइक लोगो क्रिएट करने में या आपका कुछ पोस्टर है उसको क्रिएट करने में, कोई इमेज को एडिट करना है उसको एडिट करने में, कोई आपको नेम बहुत अच्छे से बनाना है पोस्टर में वो लिखने में, इवन आपका एड जो एड सेट आप बनाते हो उसको भी बनाने में canva.com एक बहुत ही प्रो लेवल की फ्री टूल है। तो अब फोर्थ गाइस जो है वो है आंसर द पब्लिक डोमेन। गाइस, आपने सुना होगा आंसर द पब्लिक डोमेन के बारे में। यहाँ आपको सिर्फ एक चीज टाइप करना होता है, वो आपको अलग अलग कीवर्ड्स निकाल के दे देगा। बेसिकली ये आपकी हेल्प करता है कि आपको जैसे कि कुछ भी सब्जेक्ट पे कुछ लिखना हो या किसी सब्जेक्ट पे वीडियो बनानी हो तो ये आपको आइडिया दे देता है कि आप किस सब्जेक्ट में वीडियो बना सकते हैं। जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक वर्ड लिखने के बाद ये आपको बहुत सारी चीजें दे देगा, लाइक हाउ टू डू, व्हाट टू डू, हाउ टू एक्ट, हाउ टू रन, इस तरह के आपको बहुत सारे आइडियाज दे देगा। तो जो पब्लिक डोमेन है वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, आप इसको भी फ्री में यूज कर सकते हैं। सो गाइस, जो फिफ्थ टूल है दैट इज कॉल्ड विक्स। गाइस, विक्स एक ऐसा टूल है जहां पर आप फ्री में लैंडिंग पेज बना सकते हैं। बेसिकली अगर आपके पास पैसे नहीं है टूल्स में इन्वेस्ट करने के लिए तो आप एक अच्छा खासा नॉर्मल सा लैंडिंग पेज आप यहां पर क्रिएट कर सकते हैं जो आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। तो विक्स भी बहुत अच्छी चीज है, wix.com का आप यूज कर सकते हैं टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट, जो सिक्स नंबर की चीज है उसको मैं बोलता हूँ गूगल शीट। गाइस, गूगल शीट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल। अगर आपको कीवर्ड्स को कलेक्ट करना है, फिर उसमें से कुछ बेस्ट चुनना है, अपना डाटा कहीं पर रखना है, तो गूगल शीट एक बहुत अच्छी चीज है जो बिल्कुल फ्री में गूगल के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो गूगल शीट भी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है अगर आप ऑनलाइन मार्केटिंग में है या डिजिटल मार्केटिंग में, एफिलिएट मार्केटिंग, सब एक ही चीज है। अगर आप इनमें हैं तो आपको ये टूल्स बहुत ही ज्यादा मदद कर सकते हैं अपने आपको अकाउंटेबल और मेंटेन रखने में। जो लास्ट टूल है वो ये है। सो गाइस, जो लास्ट टूल है वो भी एक एक्सटेंशन है जिसका नाम है ईमेल ट्रैकिंग। ओके गाइस, ईमेल ट्रैकिंग जो है वो क्या करता है, वो आपका जो ईमेल्स आता है, जैसे आप किसी को ईमेल भेजे, राइट, अगर आपको किसी से स्पॉन्सरशिप चाहिए या आप किसी को ईमेल भेजे हो कुछ आंसर के लिए, तो आप इसका यूज कर सकते हो ईमेल ट्रैकिंग का। ये क्या करता है, ये आपको डबल डॉट करके दिखाता है कि क्या उस बंदे ने ईमेल को ओपन किया है, नहीं किया है। मतलब बेसिकली यही है कि ये आपके ईमेल्स को ट्रैक करता है कि बंदा ओपन कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, पढ़ रहा है या पढ़ नहीं रहा है। तो ये भी एक एक्सटेंशन है जो आपको फ्री में मिलता है। तो ये जो सात चीजें मैंने बताई है, सात टूल्स जो मैंने बताया है, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। बिलीव मी, आप इनका यूज करके देखो, या आपको अपग्रेड करने में और प्लस अकाउंटेबल रखने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो गाइज, यूज करो इन सात टूल्स को। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में लिखो। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, ताकि आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस मैं लेके आ सकूं। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। जय हिंद।